ऐसे पहली रो और सेकेंड रो को ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दिया तो क्या मिला? एक्स प्लस वन हुआ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस बी, इन दोनों को एड किया। यस, और थर्ड से रिप्लेस किया, हुआ टू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, नेक्स्ट टाइम टू भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए प्लस सी आएगा, ए प्लस सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं टू बी से। अब यहाँ से टू कॉमन ले लो, जैसे टू कॉमन लोगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, कंटेनर टू कॉमन, कॉमन हमने अगर टू ले लिया तो आइडेंटिकली रो हो जाएगी दो। अगर आइडेंटिकल रो हो गई तो क्या मिल गया मुझे, हाँ डिटर्मिनेंट जीरो। सो डिटर्मिनेंट जीरो क्योंकि दो आइडेंटिकल रो हो जाएंगी। सो टू यहां से कॉमन हुआ और ये आइडेंटिकल रो हो गई, तो आंसर विल बी जीरो। तो सी आंसर करेक्ट आंसर। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सी आंसर में कोई डाउट नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर हमें दिया गया है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पी की क्यू बी आर सी। कैसे, एक अच्छा तीनों तीनों जीरो ले लिए, अच्छा तीनों कंडीशन ऐसे ए बी सी ऐसे चूज कर लिए कि जीरो हो जाए। हाँ क्या और किसी ने कुछ किया, हाँ तो हमने कल एक जुगाड़ बताई थी, हमने कहा था कि कभी भी अगर ऐसा कुछ दिया गया है एबीसी के बारे में तो क्या करो, सबसे अच्छा है कि उसको जो है वैल्यू मान लो, ठीक है। तो यही कह रहे कि अगर हमारे पास यहाँ कंडीशन दी गई है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये सबके लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, तो एक चॉइस ले लेते हैं कि p बराबर q बराबर r बराबर a बराबर b बराबर c बराबर जीरो ले लो, क्योंकि जीरो कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। जीरो यहाँ पुट करोगे सभी जीरो हो गए, तो आंसर जीरो, दो आंसर जीरो है, कैसे हो गया। एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, एक जीरो है एक कुछ और था, तो जीरो वाला आंसर ठीक। हाँ फिलहाल जो भी है जीरो वाला आंसर ठीक, कोई डाउट यहाँ पर। ये अच्छी जुगाड़ है कि हम जीरो पे ले लेंगे, जीरो वाला आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो आर रिस्पेक्टिवली द पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लॉग ए। क्या किया, हाँ लेकिन ये बताया है कि ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन आर रिस्पेक्टिवली देन पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म ऑफ द जीपी, पीएथ टर्म है क्यूएथ टर्म एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपी, देन द वैल्यू तुम्हें क्या दिया क्या है। हाँ एबीसी पॉजिटिव तो है, ग्रेटर देन जीरो आर रिस्पेक्टिवली, तो पीएथ क्यूएथ आर जीपी में, जीपी में होंगे। हाँ तो देखो
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो टीपी है वो ए है, टीक्यू है वो क्या है बी है, और टी आर क्या है वो सी है। तो देखो जुगाड़ क्या कर लें, ए बी सी ऐसे चूज कर लो जो जीपी में चले जाएं। तो वन वन चूज कर सकते हो क्योंकि वो जीपी में रहेगा। ओके, वन 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 ये कांस्टेंट सीरीज जो है वो जीपी में रहेगी। अगर जीपी में रहेगी तो लॉग वन लॉग वन लॉग सी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। लॉग वन इज जीरो, लॉग टू इज जीरो। बात समझ में आई? हाँ भैया, हाँ सबको समझ में आ रहा? हाँ, तो ये हम जुगाड़े लगाएंगे। हम पहले कह दिया था कि हम कुछ ना कुछ जुगाड़े लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? जितना हो सके, जितना इजी कर सके उतना इजी करेंगे। इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन द डिटरमिनेंट ए इनवर्स। तो एक बात हमें पता है कि डिटरमिनेंट ए जो है वो वन अपॉन डिटरमिनेंट ए का जो इनवर्स है वन अपॉन डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। तो है कहीं ऑप्शन बी आंसर? ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। तो नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वन 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 एम सी वन एम सी टू एम प्लस वन सी वन एम प्लस टू सी वन एम प्लस वन सी टू एम प्लस टू सी टू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। फिर से पूछा, वन 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 एम सी वन एम प्लस वन सी वन एम प्लस वन सी टू, इसकी वैल्यू फिर से निकालनी है। हाँ कैसे? अच्छा और कोई जुगाड़ किसी ने लगाई? यस टेल मी नाउ, किसी ने और कोई जुगाड़ लगाई? हाँ तो तुम्हारा आंसर क्या आया है? आंसर जीरो, पता नहीं कहाँ से निकाल दिया। ओके अच्छा देखो, रिप्लेसमेंट टू 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 लिखा है, ठीक। अगर तुम एम इक्वल टू टू ले लो तो ये स्केलिवेटरी होगा पर्टिकुलर। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, वन वन वन, टू सी वन की वैल्यू, टू सी वन की वैल्यू टेल मी, टू सी वन, अरे एनसीआर है टू। बात समझ में आ रही? हाँ, टू सी वन इज टू, थ्री सी वन वैल्यू, थ्री सी वन थ्री आएगा, ठीक। और फोर सी टू, फोर सी वन, फोर, टू सी टू, टू सी टू वन, थ्री सी टू मतलब थ्री सी वन, थ्री, फोर सी टू, फोर इंटू थ्री अपान वन इंटू सिक्स, अरे फोर इंटू थ्री अपान वन इंटू टू सिक्स। ओके सिक्स, इसके बाद जुगाड़ लगा लेते हैं, ठीक है? कोई रिप्लेसिंग दिख नहीं रहा, इसको इससे सब इसको इससे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक। नाउ इसको जीरो ऐसा सेपरेट कर रहे हैं, माइनस वन माइनस टू, तो जीरो माइनस वन माइनस थ्री एंड वन फोर सिक्स। ओके इक्वल टू, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, वन ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, थ्री और माइनस टू, आंसर वन। तो आंसर इज वन, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर। ओके मतलब हम अपने जनरलाइजेशन वे में फंसेंगे नहीं, ओके हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, तो आंसर वन आया, जीरो नहीं आएगा। ओके ठीक, नेक्स्ट सिक्स, सिक्स देखते हैं। ए बी सी आर ट्राइंगल ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स। अच्छा कभी भी
ट्राइंगल के एंगल हो तो कई चीजें हमें याद रखनी है। देन द डिटरमिनेंट ए साइन टू ए साइन सी साइन बी साइन सी साइन टू बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन टू सी इज ओके। तो ऐसा कभी क्वेश्चन अगर आता है तो तुम्हें क्या याद करना है कि ए बी सी अगर एंगल्स के जो एंगल है वो ट्राइंगल क्या है, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180, ठीक। पहला तो ये कंडीशन मुझे पता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक। अब हमने तुम्हें जुगाड़ बताई है, अपनी जुगाड़ लगा लो, कुछ ए ऐसा बताओ, कुछ बी ऐसा बताओ, कुछ सी ऐसा बताओ, ठीक है? कुछ भी मान लो, पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री ले लो, क्योंकि ये ए बी सी क्या ले लें, सी जीरो, हाँ ए बी सी जीरो ले लो और सी पाई ले लो, ये भी अच्छा है, ठीक, ये और अच्छा हो जाएगा, सी इक्वल टू पाई ले लो, इसके लिए भी ट्रू होगा। हम तो पहले बताए, हम जनरल कुछ लगाएंगे नहीं, सब पर्टिकुलर तोड़ देंगे, तो इसके लिए ट्रू होगा। देखते हैं, रख देते हैं, ए बी सी साइन जीरो जीरो ट्रायंगल नहीं बनेगा, नहीं, ये एक बात एक प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि ए बी सी अगर जीरो ले लोगे तो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल नहीं बनेगा, ओके, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं, ट्रायंगल बनाना है तो फिर तुम वही ले लो, ए इक्वल टू पाई बाई थ्री, बी इक्वल टू, अरे यही ले लो ना सबको, पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो बताओ साइन टू पाई पान थ्री की वैल्यू, साइन टू पाई पान थ्री माइनस माइनस वन, साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू साइन सी की वैल्यू, अरे वही रूट थ्री बाई माइनस वन, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू और माइनस वन, ओके, सिमेट्रिक है, अरे तो फिर कुछ करना ही नहीं है, आर्डर कितना है? नहीं, सिमेट्रिक है वो, अगर ऑड ऑर्डर किए, नहीं नहीं हाँ अच्छा, वो इसको सिमेट्रिक के लिए, ठीक, तो कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है तो इसको इसको सेपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी मुझे पहले को ऐसे बना रहने दो, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, इसको इसको सेपरेट कर लो, जीरो और माइनस वन और माइनस रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू प्लस वन, और ये फिर ऐसे ही रहेगा, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू माइनस वन, एक ठीक, कैलकुलेट कर लो, देखो आंसर बताओ क्या आया, माइनस वन यहाँ से आएगा, फिर कैलकुलेट, वन प्लस रूट थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू, ये कैंसिल आउट, और एक तो जीरो ही है, माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये रूट थ्री बाई टू, मतलब थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएंगे ना, रूट थ्री बाई टू प्लस के थ्री बाई टू, ओके, कैलकुलेट करो, तो माइनस वन वहाँ से बचा, माइनस टू यहाँ से बचा, फिलहाल ना तो वन आएगा ना तो माइनस वन आएगा, ये तो आने की जरूरत ही नहीं, साइन है साइन भी लेकर रखो, क्या आया, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री बाई टू, तो देखो क्या आया, थ्री रूट थ्री बाई टू, थ्री रूट थ्री बाई टू नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू अलग रखी है, ओके, पर्टिकुलर वैल्यू रखी, वो कटेगी नहीं, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, इसके बाद रूट थ्री बाई टू भी नहीं आएगा, इसके बाद डी आंसर करेक्ट, ओके, तुम और कोई भी चूज वैल्यू कर सकते हो, हमने रूट थ्री बाई टू अगर चूज किया है, तुम ऐसी ए बी सी ले लो जो उसको सेटिस्फाई करती हो, फिलहाल डी आंसर। नेक्स्ट सेवन, द डिटर्मिनेंट डेल्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी सी
ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर फोर। अच्छा कह रहे किससे डिविजिबल है, डिविजिबल है तो तुम्हें आपकी बार डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़े कर लेते। देखो कि क्या जुगाड़ कर लें, कुछ अच्छी जुगाड़ ऐसी बताओ जो कॉमन हो जाए। ए बराबर ठीक, डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय ए बी सी की कोई चॉइस नहीं थी तो ए बी सी की चॉइस तुम ले सकते हो। तो हमें लगता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और फिर देख लेते हैं क्या निकला, तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर जीरो 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 एक्स स्क्वायर जीरो 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 और एक्स स्क्वायर। ओके तो यहां तो एक्स पावर सिक्स आ गया। ओके इसके मतलब हमें वैल्यू कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी है, क्योंकि ये सबसे डिविजिबल हो गया। ओके तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू भी चूज करनी पड़ेंगे, तो चूज करो कुछ वैल्यू। ए बी सी वन वन ले लेते हैं, ठीक है इक्वल टू वन। दूसरा देख लेते हैं केस कि इसमें सब डिविजिबल हो गए, वन वाला देख लेते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन वन वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन वन वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके नाउ एक्स पावर फोर आएगा, टोटल डिटरमिनेंट सॉल्व किया। हाँ तो ये एक्स पावर फोर आया, एक्स पावर फोर आया इसका मतलब किससे डिविजिबल है, इससे सबसे, फिर गड़बड़ है, सब तो आंसर नहीं होने चाहिए है। ये भी सबसे डिविजिबल है, इसके मतलब सबसे डिविजिबल है। ओके तो आंसर यहां चारों है, ए बी सी एंड डी, चारों आंसर होंगे, ठीक है चारों आंसर हैं भी। तो लास्ट में ओके सो डिविजिबल बाय थर्ड वन, ठीक है। एट डी आर इक्वल टू टू की पावर आर माइनस वन, टू इंटू थ्री की पावर आर माइनस वन, फोर इंटू फाइव पावर आर माइनस वन, एल्फा बीटा गामा टू की पावर एन माइनस वन, थ्री की पावर एन माइनस वन, फाइव पावर एन माइनस वन। देन द वैल्यू ऑफ द समेशन आर वन टू एन डी आर इज, ओके समेशन निकालना है, ठीक है तो वैल्यू आप निकालना है, बताइए क्या होगा। तुम हाथ पाई क्लास करेंगे यार, हाँ बताइए क्या करें। टू पावर आर माइनस वन, हाँ कोई जुगाड़, पूरा समेशन करना है, ठीक है हाँ तो एक जुगाड़ है, समेशन अलग अलग कर सकते हो। देखो जैसे समेशन टूटता है वैसे ही हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। समेशन और इंटीग्रेशन हमने आपको बताया है, ठीक है तो इसका समेशन डीआर करना था। एक तो जुगाड़ ये है कि सबको क्या करो, डिटरमिनेंट निकालो सबकी, और उसके बाद जब डिटरमिनेंट निकाला है तब समेशन ले लो, या समेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा डी आर इक्वल टू, सबसे पहले समेशन कर दीजिए टू की पावर आर माइनस वन, समेशन टू इंटू थ्री की पावर आर माइनस वन, फोर इंटू समेशन फाइव पावर आर माइनस वन, और अल्फा बीटा गामा टू की पावर एन माइनस वन एंड थ्री पावर एन माइनस वन एंड फाइव पावर एन माइनस वन प्लस। दूसरा ये ऐसा ही रहेगा, टू पावर आर माइनस वन, टू इंटू
थ्री पावर आर माइनस वन और फोर इंटू फाइव पावर आर माइनस वन, और ये समेसन अल्फा हो जाएगा, ये समेसन बीटा हो जाएगा, ये समेसन गामा हो जाएगा, ये टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और ये थ्री की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये फाइव पावर एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस एक और आएगा लास्ट में। पहली रो एज इट इज रहेगी, दूसरी रो एज इट इज रहेगी, समेसन हो जाएगा टू की पावर एन माइनस वन, ओके। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट रहेगा समेसन थ्री पावर एन माइनस वन, समेसन फाइव पावर एन माइनस वन, ये तीनों का इसका समेसन निकाल सकते हो। ये सीरीज कौन सी है, दैट सीरीज इज, कौन सी सीरीज है ये सीरीज, बोलो भाई, ये सीरीज कौन सी है जो सामने लिखी है, अरे बोलो ये सीरीज कौन सी है, एपी जीपी एचपी जीपी, ओके ये भी जीपी, टू कॉमन ले लो, जीपी सीरीज, जीपी सीरीज, जीपी के एन टर्म का सम लगा दो, जीपी के एन टर्म का सम लगा दो, जीपी के एन टर्म का सम लगा दो, एक यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एन अल्फा एन बीटा एन गामा हो जाएगा, अगेन जीपी दो दो टर्म तोड़ दो, टू की पावर एन जीपी है और माइनस टू एन हो जाएगा, थ्री एन थ्री माइनस वन थ्री एन हो जाएगा और फाइव एन माइनस फाइव हो जाएगा, और इसके बाद सबको सॉल्व करना है, देख लो आंसर आ जाएगा, ओके। फिलहाल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो कैलकुलेशन कर सकते हो इसमें, हाँ आर की वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, नाइन ए बी ए एक्स प्लस बी बी सी बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस सी जीरो इज इक्वल टू जीरो, कह रहे हैं ये इक्वल टू जीरो है इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन जी पी एंड ए बी सी आर इन एच पी, अल्फा इज अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको बताना है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें भी डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो तुम इसको चाहो तो ऐसे भी खेल सकते हो, कैसे, ए बी सी आर इन ए पी, तो ए बी सी ऐसे कोई नंबर ले लो जो ए पी में हो और यहां पुट कर दो और आंसर निकाल दो, अगर जीरो आ गया तो आंसर सही है। दूसरा ए बी सी आर इन जी पी ले लो, अगर ऐसा निकल आया आंसर जीरो हुआ तो सही है, अदरवाइज एच पी, नहीं तो ये रूट निकल के आएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, फिर डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो क्या करें बताइए, कैसे किया जाए डायरेक्ट एक्सपेंशन, बोलो 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 जल्दी बोलो, हमें लगता ये a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, b माइनस सी कॉमन हो जाएगा, अगर a माइनस बी बी माइनस सी यहाँ से कॉमन और a माइनस सी यहाँ से कॉमन, कोई कट रहे हैं कोई कट नहीं रहे, तो क्या करें डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, या एक बार लगा के फिर एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलिए कैसे करें, और को किसी को कुछ समझ में आ रहा क्या किया जाए, बोलिए 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 जल्दी बोलो, हाँ चलो एक्सपेंड करते हैं, ठीक, देखेंगे बाद में जो भी होगा, तो और मुझे एक और जुगाड़ लग रही क्या, कि इसमें अगर x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, देखो इधर देखो, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लो इस वाले में, और इससे ऐड कर दो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जीरो हो जाएंगे, मिल गया मुझे एक, क्या करो कि आर थ्री को रिप्लेस करो आर एक्स माइनस, मतलब एक्स आर वन एक्स आर वन प्लस प्लस आर टू माइनस आर थ्री करो, ठीक, तो दो क्या हुआ,
पहला तो टर्म ऐसे ही रहेगा, ए बी ए एक्स प्लस बी, और ये बी सी बी एक्स प्लस सी। जब आप इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ऐड करेंगे तो ये जीरो आ गया, इससे x से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे जीरो आ गया, इससे x से मल्टीप्लाई किया हम अलग कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इससे ऐड किया बी एक्स स्क्वायर, नहीं केवल ऐड किया है ठीक, बी एक्स प्लस सी किया है, तो हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। तो हमारे लिए ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। अब ठीक है, दो जीरो हो गए, तुम्हारे लिए आ गया ये एक्सपेंशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए सी, जो भी ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो बी बी इक्वल बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। तो ए बी सी किस में हो गए, पहला हाँ ए बी सी इन जीपी, ठीक है बात समझ में आ रही, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये भी जीरो हो सकता है, तो इसका अल्फा रूट होगा, अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इसके मतलब दो आंसर सही है, कौन कौन बी और डी, दो फैक्टर आए ना, वहां बी एक्स सही है, ओ अच्छा ठीक, तो फिर ये भी गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं आया, तो केवल क्या बचा बी हो गया, तो बी आंसर ओके। उसमें जो लिखा है ना वो बी एक्स नहीं लिखा है, अगर लिखा होता टू बी एक्स नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है बी एक्स लिखा है, अगर टू बी एक्स होता तो वो भी आंसर हो जाता, बात समझ में आ गई। तो चार ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं ओके, इफ डेल्टा नॉट ए माइनस वन एन सिक्स, ए माइनस वन का होल स्क्वायर टू एन स्क्वायर फोर एन माइनस टू, एंड ए माइनस वन का होल क्यूब थ्री एन क्यूब थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, देन समेशन ए वन टू एन डेल्टा ए इज इक्वल टू, फिर से डिटर्मिनेंट का समेशन निकालना है मुझे ठीक है, और डिटर्मिनेंट का समेशन कभी भी तीन चीजें आपके पास आती हैं, कौन कौन सी, या फिर कभी डिटर्मिनेंट निकालना पड़े, अरे या फिर कभी आपको इंटीग्रेशन करना पड़े या डिफरेंशिएशन करना पड़े या समेशन करना पड़े, किसी भी डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का नहीं डिटर्मिनेंट का, तो इसको तीन पार्ट में तोड़ते हैं, सबसे पहले रो का समेशन कर देते हैं प्लस, दूसरी रो और तीसरी रो ऐसे फिक्स रखते हैं प्लस में, पहली रो ऐसे फिक्स रखते हैं, सेकेंड का समेशन कर देते हैं और ऐसे ही थर्ड का समेशन कर देते हैं ठीक है, ये प्रोसेस है समेशन निकालने की। तो तुम्हें समेशन करना है वन से, ये ए है डेल्टा ए लिखा हुआ है, ए वन टू एन समेशन करना है, तो इसका मतलब पहला समेशन जाएगा, दूसरा समेशन जाएगा, तीसरा समेशन जाएगा ठीक है, तो तुम्हें समेशन करना है सबका रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए वन टू एन, एन के रिस्पेक्ट में नहीं, ये बात ध्यान रखना, इस ए के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में करना है तो इसके समेशन में केवल ए एन आएगा, पाइए और एन बराबर बन रख दो ठीक, एन बराबर बन रख लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एन बराबर बन रखने से ये आएगा वन, ये आएगा, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर इसका समेशन निकालो, हाँ तो और बड़ी प्रोसेस होगी फिर से, अच्छा ए इक्वल टू वन कह रहे, एन इक्वल टू वन रख लेंगे, अच्छा एन इक्वल टू वन रखने से हमारे लिए समेशन आया, तो मतलब तुम कह रहे हो समेशन ए वन से वन और डेल्टा ए निकाल ले, हाँ हाँ फर्स्ट का, हाँ ए का, लेकिन ए की वैल्यू मुझे पता नहीं थी क्योंकि ए वन से एन जा रहा है ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा ए इक्वल टू अगर बन रख लिया तो जीरो हो ही गया, ए इक्वल टू बन रखने से, और ए की चॉइस नहीं दी मुझे है ना, ए भी अच्छी जुगाड़ है क्योंकि ए हमें पता नहीं है, ए तो पूरे आर में होगा, तो
तो तुम एक ही चॉइस वन ले लो, तो वन ले लो डायरेक्ट क्या हो गया, जीरो जीरो जीरो, अदर कुछ भी बने रहे, हर एक चॉइस के लिए इक्वल होगा, इसके मतलब आंसर फिर से ए करेक्ट आंसर। ठीक, हम जितनी छोटी छोटी चॉइसें ढूंढ सकते हैं उतनी ढूंढेंगे, हम मेन पे नहीं जाएंगे कि हमें उसको सॉल्व नहीं करना, हमने पहले कह दिया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम जुगाड़े ढूंढेंगे कि एक ही वैल्यू रखने से क्या मिल जाए। तो हमें लगता है ए वन रख दो तो जीरो जीरो हो गया, अब एक रो जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, आंसर करेक्ट। सो फर्स्ट आंसर करेक्ट, गुड। नाउ 11, ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर इन जी पी, जी पी में है, देन द डिटर्मिनेंट, अब फिर से जी पी में एंटर माने इनफाइनाइट तक, लॉग एन प्लस वन, लॉग एन प्लस वन, लॉग एन प्लस थ्री, ये सब मुझे बताना है। ठीक, जो भी एन नन आप दी, अब इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, कैसे इनफाइनाइट पे ट्राई नहीं करेंगे, मतलब जनरल ट्राई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ वैल्यू मान लेते हैं। इन्होंने कहा ये किसमें है, जीपी में, सबसे अच्छी जीपी की सीरीज मानना है तो हमेशा वन 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 मान लो, एक ये जीपी में होगा वन वन वन, कांस्टेंट सीरीज जीपी में भी है एपी में भी है, दोनों में है। ठीक है, लेकिन हमें जीपी में बताया तो वन के लिए भी ट्रू होगा, अगर वन के लिए ट्रू होगा तो लॉग ए एन, एन टर्म क्या हो जाएगा इस जीपी सीरीज का, वन, लॉग वन जीरो, एन प्लस थ्री क्या होगा जीरो, जीरो सब जीरो, सब जीरो, आंसर अगेन जीरो, तो अलेवन अगेन जीरो। ओके, हमें क्या मतलब कैसी में हो जाए, हम कुछ याद ही नहीं करेंगे, हम तो वैल्यू पे जाएंगे खत्म, कहानी जीरो हो गई, हमें आंसर निकालना है ना, हमें कलाकारी नहीं करनी है, हम जितना इजी से इजी जा सकें, हमें टाइम 2 घंटा है, 2 घंटे पेपर सॉल्व करना है, 125 क्वेश्चन है, हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लें, ऑब्जेक्टिव मेरे सामने, ऑप्शन मेरे सामने है, तो हम ऐसा नहीं कि हम अपनी कलाकारी नहीं दिखाएंगे कि अगर ये जीपी में है तो ये एपी में होगा, बने रहें जो हों। ठीक है, समझ में आ रहा, हाँ। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, अगर तुम जनरल सॉल्व करने कोशिश करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली, जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक्स वाई जेड आर आर डिस्टिंक्ट, सबसे पहले जो कंडीशन दी इन्होंने कहा एक्स वाई जेड आर आर डिस्टिंक्ट, एक्स वाई जेड आर आर डिस्टिंक्ट, तो पक्का है अब की बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन नहीं मानेंगे। ठीक है, वन वन नहीं मानेंगे, सभी डिस्टिंक्ट मानेंगे। ठीक, मानते हैं, देखते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड बताना है। ठीक है, तो एक्स और वाई और जेड सब डिस्टिंक्ट हैं, तो एक को जीरो ले लो। ठीक है, लेकिन अगर जीरो ले लोगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, है ना, तो ना ना दीज की तरफ चला जाएगा। ऐसा तो नहीं नॉन जीरो डिस्टिंक्ट दिया हो, जरा क्वेश्चन दोबारा चेक करो, नॉन जीरो तो नहीं दिया, यहाँ पे गलत शायद टाइप है, क्योंकि जीरो तो जीरो चॉइस लेंगे तो जीरो वैसे भी आ जाएगा। ओके, नॉन जीरो होना चाहिए था कि नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर, चलो नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर से लगाते हैं। ठीक है, ओके, जरा लगाते हैं, डिटर्मिनेंट सबको जीरो लेके, सबको जीरो ले ही नहीं सकते, सभी डिस्टिंक्ट लेनी है। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि x बाई जेड अगर तुमने सभी जीरो, एक जीरो ले लिया तो हो सकता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो रहा हो, हमारी चॉइस ही ना बने, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा, तो देखिएगा क्या करें। हाँ आप बताइए, एक ऐसी चॉइस लेनी है जिसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होना चाहिए, तो x क्या पुट कर दें, y क्या पुट कर दें, z क्या पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने x मान लिया, क्या माने बताइए भाई, एक्स वन बाई अगर माइनस वन ले लिया, ठीक, जेड क्या ले लें, लेकिन वो चेक करना है हर हर कि जीरो है कि नहीं है, है ना, जब तक देखो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करो, डिटर्मिनेंट उठा के जीरो करो, एक एक्स और ये एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स क्यूब है, क्योंकि इस चॉइस से मुझे लेना है बाई बाई स्क्वायर, वन प्लस बाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर, वन प्लस जेड क्यूब, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या फर्क पड़ा, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो,
तो बाई माइनस जेड आई थिंक कॉमन हो जाएगा। ओके ये बात समझ में आ रही? हाँ अरे एक तो जुगाड़ और है, इसको क्या करो दो पार्ट में लिख लो। एक कैसे इसको दो पार्ट करते हैं, आंसर आ गया एक्स बाई जेड इजी हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 प्लस ओके एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं जेड जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। एक्स कॉमन लो वाई कॉमन लो जेड कॉमन लो एक्स बाई जेड प्लस वन पूरी डिटर्मिनेंट कॉमन आंसर इज माइनस वन। देखो समझ में आया ये? यहां से इस वाली मैट्रिक्स से सेकेंड वाली मैट्रिक्स से एक्स बाई जेड कॉमन ले लो तो ये जो मैट्रिक्स बनी वही बन गई। सी दैट वन 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 एक वन 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 एक्स 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 स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम हो गई, केवल दो बार दो रो चेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके मतलब तुम्हारे पास ये आंसर आ गया एक्स बाई जेड प्लस वन और ये मैट्रिक्स ओके एक मैट्रिक्स तो एक्स प्लस बाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन आंसर भी करेक्ट। देखो समझ में आया? हाँ बोलिए भाई बोलो बोलो। अरे बोलो नाउ इफ बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी बी प्लस सी इक्वल टू के टाइम्स ए बी सी दैट मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ द के के की वैल्यू पूछी है और ए बी सी बनाना है इस सब को ओके तो क्या करें? हाँ इसको देखो इसको एक के साथ अलग लिखेंगे फिर दोबारा में इसको अलग लिखेंगे तिबारा में इसको एक बार दो मैट्रिक्स ये दे देगा थिंक ये दो मैट्रिक्स देगा एक दो मैट्रिक्स ये देगा दो ये देगा छः और माइनस प्लस का खेल और हो सकता है तो जरा लिख के देखो इसको लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। और कोई जुगाड़ इसके अलावा? हाँ एक जुगाड़ और हो सकती है सबको ऐड कर दो तो पहला बन गया a प्लस बी प्लस सी तो 2a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया c प्लस a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a प्लस बी और b प्लस सी इक्वल टू। अच्छा एक जुगाड़ और भी हो सकती है क्या? एक जुगाड़ और हो सकती क्या? सबको बन मान लो, यहां भी कुछ नहीं दिया फिलहाल, अभी इससे निकालते हैं फिर बन लगा के देखते हैं। इज इक्वल टू अभी इसी मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं टू कॉमन ले लो टू कॉमन ले लो टू कॉमन हो गए और ए प्लस बी प्लस सी इससे सेपरेट कर दो तो रह गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी और माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए। देखो ये समझ में आया? ये दूसरी स्टेप ये समझ में आई दूसरी स्टेप? यस आर नो? ओके हमने कुछ नहीं किया टू कॉमन लेके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया आंसर। माइनस भी कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी भी। आप क्या करें अब उल्टा कर दो उल्टा खेल खेल लो क्या बी प्लस सी लिखा है ना इन दोनों को जोड़कर इससे सेपरेट कर दो माइनस तो टू कॉमन आ तो गया ए बी सी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस बी माइनस जो भी आया माइनस ए माइनस सी दो दो माइनस प्लस कॉमन तो के इक्वल टू कितना आया के टू आया सो के इक्वल टू टू ओके एक तो ये जुगाड़। अच्छा हम दूसरी जुगाड़ लगाना चाहते हैं इसमें एक एक और क्या हम चाहते हैं कि सबकी वैल्यू जीरो ना रख के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन रख लो क्योंकि हमारे पास ये चॉइस ले लो एक सब वन करोगे तो ये क्या हो जाएगा टू 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 सब
तो 2 की पावर कितना कॉमन, 3, 2 की पावर 3 कॉमन, लेकिन डिटरमिनेंट यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, डिटरमिनेंट 0 हो गया तो फिर प्रॉब्लम थी, तो के की कोई चॉइस हो सकती थी। ओके, टू ही कॉमन तो लिया, अरे यार डिटरमिनेंट से 2 कॉमन लेंगे हर रो से तो 3 कॉमन होगा, अब डिटरमिनेंट 0 हो गया फिर गड़बड़ है, एक तो वैसे ही लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट 14 क्या कहता है देखते हैं। हाँ पहले तुम लोग एक बार सोचो क्या करें। लिखा ए विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सच दैट इट्स एलिमेंट आर द पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इट्स आर रोज बिकम आइडेंटिकली फॉर एक्स इज इक्वल टू के देन बताना है। ए हमारे लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, सच दैट इट्स एलिमेंट आर पॉलिनोमियल इन एक्स, करें उसके एलिमेंट है जो पॉलिनोमियल एक्स के हैं, एंड इट्स आर रोज बिकम आइडेंटिकली, आर रो है उसके आइडेंटिकली है एक्स इज इक्वल टू के में, देन चलो बताइए क्या करें। तो इसमें हाँ कौन बताएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्या लिखा एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन सच दैट इट्स एलिमेंट आर पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इट्स आर रोज बिकम्स आइडेंटिकली एक्स इज इक्वल टू के, इसके मतलब एक्स माइनस के क्या होगा वेक्टर होगा, तो एक्स माइनस के कितनी बार कॉमन हो जाएगा, आर बार, क्योंकि आर रोज में है तो एक्स माइनस आर इज अ फैक्टर आर डिटरमिनेंट ए पक्का है पहला आंसर। अरे पहले आंसर है ना, बात बाकी नहीं है। हाँ इसका फैक्टर ए का फैक्टर नहीं डिटरमिनेंट का फैक्टर आएगा। ओके ठीक गुड, इजी क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज का खेल था। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बल्ले बल्ले यू कैन टेक इट्स चॉइस। ओके लेकिन के आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ द के, तो पक्का है कोई ना कोई क्या माननी पड़ेगी, ए बराबर बी बराबर तभी पॉसिबल है, तो फिर वैल्यू ऑफ के कैसे निकलेगी, हाँ क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब क्या हो तीनों वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये निकाला, और ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा सभी जीरो होंगे, लेकिन हो सकता है इसका कहीं यूज हो तो के ए बी स्क्वायर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है हमने, हाँ तो कुछ यूज करेंगे है ना, तो यहां से च्वाइस नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा इफ ऐसा है तो हो सकता है फैक्टर बने ऐसा जिसको जीरो करना पड़े, तो वो जीरो कर दे रहा होगा इतना बच रहा होगा। ओके तो हम चॉइस नहीं लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, इतना बचेगा बाद बाकी देखते हैं क्या बचेगा, तो के की वैल्यू निकल आएगी तो निकालते हैं। ठीक है तो इसमें कुछ ना कुछ लगा देते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो कैसे ईजी हो जाएगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, हाँ क्या करें किसको किसको ऐड करें कि कुछ कॉमन हो जाए या कुछ और जुगाड़ लग जाए, टेल मी नाउ। यस हाँ हाँ बताइए भैया क्या किया जाए, डिटरमिनेंट निकालना है, बोलो बोलो भाई कोई जुगाड़ है क्या करो, ये जो वैल्यू दी है ना b प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस
बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर. नाउ यू कैन टेक द कॉमन ए बी सी. पहला आंसर क्या बचा? माइनस ए बी और सी. फिर क्या बचा? ए माइनस बी और सी. फिर क्या बचा? ए बी और माइनस सी. यहां तक कोई डाउट? फिर से सब सही है? सब सही तो है. ए कॉमन, फिर से कॉलम में ए कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन. ओके, डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा. बोलो डिटर्मिनेंट क्या है इसका? डिटर्मिनेंट क्या है? फोर आ रहा, तो के इक्वल टू फोर है आंसर. कोई सी आंसर, सो सी आंसर करेक्ट आंसर. इफ ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स इक्वल टू जीरो सच दैट, ठीक है तो बताइए लैम्डा क्या होगा. ए ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स जीरो के बराबर है तो यहां पे तो चॉइस ले सकते हो एबीसी की. ए की चॉइस ले लो वन, बी की चॉइस ले लो नहीं, जीरो बनाना है. हाँ बताइए क्या करें. सोलह कोई जुगाड़? हाँ कोई जुगाड़ नहीं तो अपना डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं. क्या फर्क पड़ता है, जब कहीं जुगाड़ नहीं तो डिटरमिनेंट निकाल लें. दोनों प्रॉब्लम मुझे जीरो वन जीरो वन माइनस वन तो कैसे जीरो हो जाएगा? बी कैसे जीरो लेगा? बना पार बी जीरो बना नहीं हो जाएगा. अरे तुम डिटरमिनेंट निकाल दो एक सेपरेट करके एक बार. ओके हम एक बार सेपरेट करते हैं. ए वन वन माइनस बी जीरो वन प्लस बी वन 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 प्लस सी नथिंग स्पेशल. यू विल गेट ए वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी माइनस वन. ओके माइनस बी हाँ माइनस बी प्लस ये कैंस. अरे यार ना ना दी जा रहा सही से लगा ना दी जा रहा. हमने भी ऑपरेशन लगा दिया. इसमें ऑपरेशन लगा दिया. अरे ठीक है ये बताओ वन प्लस बी प्लस सी और प्लस बी सी माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गए और फिर माइनस माइनस प्लस बी क्योंकि ये टू वन की पोजीशन है तो ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट वन प्लस सी और माइनस वन ये कैंसिल आउट. ठीक तो बचा ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस बी सी. कोई प्रॉब्लम? और एक ए आना चाहिए था, एक ए गायब है. देखते हैं क्या क्या गायब. तो ए बी सी हमें यूज करना है बनापान ए बनापान बी प्लस बनापान सी का. तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं ए बी सी से डिवाइड कर लेते हैं और ए बी सी इधर लिख लेते हैं. ठीक तो हमारे पास वन अपान सी प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान ए और प्लस वन अपान है क्या जी
एबीसी आया, मेरा एक टर्म ज्यादा क्यों आ रहा है? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, वन प्लस सी माइनस सी, एक ज्यादा आ रहा ना, तो गलत कहां कर गए? अरे तो लेमडा आना चाहिए ना पूरा, ये टर्म नहीं आना चाहिए, एक टर्म ज्यादा आ रहा है। देखो कहां से कैंसिल हुआ, वन बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस वन है, एक कम लिखा कहां पे, हमने ये लिया, तो हम तो इससे इससे इसके एस्पेक्ट में वो किए कॉलम के, अरे हम कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन किए, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लिकेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन, एक कटना चाहिए कहीं है, कैलकुलेशन देख लो है ना, मिस्टेक है, तो लैम्डा ए बी सी आना चाहिए, एक टर्म ज्यादा आ रहा मेरा, ठीक, तो चेक वन टाइम कैलकुलेशन, नथिंग स्पेशल, तो नाउ 17, नाउ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, हाँ नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हाँ बताओ इसमें क्या करें, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एक इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा टू कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा, ठीक, तो 90 लोगे तो दो जीरो हो जाएंगे, नहीं लेना क्योंकि ये दो टाइम जीरो कर देगा, हाँ देखो चाहो तो इसका डिटरमिनेंट निकालो और चाहो तो भी जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ क्या लगाओ, अल्फा बीटा गामा वन वन ले लें, उस वन वन ले लेंगे तो कॉस वन बन जाएगा, कॉस वन बन जाएगा, ठीक है ले सकते हो, अच्छा अच्छा कॉस जीरो जीरो बनेगा, अच्छा तो अगर अल्फा माइनस बीटा जीरो ले लोगे तो फिर इससे कैसे डिसाइड करोगे, कॉस वन कॉस वन कॉस वन आ जाएगा तो कैसे डिसाइड करोगे, अगर अल्फा बीटा वन ले लो तो वन लेके देखो जरा, 17 तुम कह रहे हो अल्फा ले लो वन बीटा ले लो वन, ठीक गामा ले लो वन, ले सकते हो, ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, वन 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 पक्का जीरो हो गया, अच्छा अगर जीरो हो गया तो जीरो हुआ नहीं, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, पक्का डी आंसर करेक्ट, ओके तो नन ऑफ दीज, अच्छी जुगाड़। नाउ 18, ए बी सी आर एन एंगल ऑफ ट्राइंगल सेम, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाँ इक्वल टू पाई है तो ए बी सी की चॉइस ले लो, ठीक है तो आंसर बताओ इसका, जरा आंसर बताओ, सब लोगों को टाइम देते हैं, एक मिनट आंसर निकाल के बताओ, चॉइस ले लो, तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो तुम आप चाहे कुछ भी करो, ए बी सी को ले लो, एक कुछ वैल्यू लो ऐसी जो ट्राइंगल में आ जाए, तो ए कुछ ले लो, बी ले लो, कुछ सी ले लो, तो चाहो तो पाई बाई थ्री ले लो, आंसर बताओ इसका, आंसर हम वेट करते हैं, जीरो आ रहा पाई छे, अच्छा एक मान सकते हो, हाँ रख दो, तो सी आंसर करेक्ट आंसर, ओके सी क्या लिया तुमने, पाई बाई टू, पाई बाई टू में तो ये भी जीरो हो गया, दो में
नहीं, जीरो आएगा, लेकिन तुम दो ऑप्शन में फंस जाओगे, ए और सी में, अगर तुम्हारी चॉइस के हिसाब से, कोमल तुम्हारी चॉइस के हिसाब से तुम दो में फंस गए, एक सी में और ए में, इसलिए चॉइस लो मेरी वाली। क्या 5/3 चॉइस लो, कहीं नहीं फंसोगे। ओके, जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिक निकल के चली जाएगी सामने। ठीक, इस चॉइस से बताओ आंसर क्या आया? 0। हाँ, तो आंसर 0, सो सी आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो इसमें। 18 फिलहाल इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जब लोग हम लोग 12th में थे तो यही क्वेश्चन बड़ा कठिन क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना? ये भाई नहीं, ये सबसे कठिन बुक है, आईटी जेई की जो चल रही है, जेई में कठिन बुक है, लेकिन आजकल ये इजी हो रहे हैं। थोड़ा अपनी बुद्धि है, तो हमें वैसे साल भी नहीं कराना, हमें टीजी टू क्वालिफाई कराना है कि तुम्हें आईटी जेई क्वालिफाई कराना है ना? हाँ, टीजी टू क्वालिफाई करना है, पीजी टू क्वालिफाई करना है, पीजीटी पीजीटी दुनिया का सबसे, दुनिया का नहीं मतलब इंडिया का सबसे इजी एग्जाम है, यूपी का नहीं हम बोल सकते हैं, इंडिया का मैथ में, इससे इससे इजी एग्जाम कोई नहीं है। ठीक है, जितने भी एग्जाम है मैथ के सबसे इजी एग्जाम है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक, टीजीटी पीजीटी में। फिर भी ना कर पाओ तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम उसी में हो, इसलिए पढ़ते रहो दिन रात, ठीक, इसलिए रट्टा फिकेशन भी करना है। सो 19, कोई फार्मूला ही नहीं, अभी 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 तक किसका फार्मूला निकला है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन थ्री, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे जितनी बार उतनी बार तुम्हें फार्मूले याद हो जाएंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे फार्मूले याद याद थोड़ा करने पड़ते, हो जाते हैं। अब स्ट्रेट लाइन लगवा दिया तो स्ट्रेट लाइन लगाओ, पैराबोला लगाओ, हाइपरबोला लगाओ, जो है क्वेश्चन लगाते रहो बार बार, खुद ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा, भूल जाओ देख लो, थोड़े दिन बाद खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या है, तुम एक 100 100 अगर सीट दी है, 100 क्वेश्चन को अगर तुम एग्जाम तक 4 बार लगा लो, 1900 क्वेश्चन को, एक एक तो क्वेश्चन के आंसर तो याद ही हो जाएंगे, वो तो वैसे भी याद हो जाते हैं, ठीक, दूसरा तुम्हें सब फार्मूले याद हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बैठ के याद करना पड़ेगा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये है, टेंजेंट का फार्मूला ये है, वो ऑटोमेटिक तुम्हें जैसे आएगा, अच्छा लाइन वाली टेंजेंट का फार्मूला वो वाला था, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है ना, तो प्रैक्टिस तो इसीलिए करते हैं, नहीं तो सब पढ़ना ही लो, ये तो सब बुक में दिया है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम कुछ नए पढ़ा रहे क्या, सब बुक में है, केवल प्रैक्टिस है, केवल प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं, इसलिए पहले कह दिया, हम याद भी कराएंगे सब पूरे असाइनमेंट एक तरफ से। तो फिलहाल देखते हैं, अल्फा एक्स 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 4 × 4 गए, इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, सो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अच्छी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे, बल्ले बल्ले है मेरे साथ। ओके, यहाँ पे दो चीजों का यूज है, एक तो डिटर्मिनेंट का और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जिन लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती होगी तो वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना है, जब डिटरमिनेंट निकल आए, ठीक है, उसके बाद एफ एक्स निकालना है या एफ एक्स कंपेयर कर देना है, उसका डेरिवेटिव आ जाना है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक कुछ स्टार्ट करने की मेथड बताओ, कोई किसी के दिमाग पे आ रही? एक बात कर सकते हैं क्या, कि एफ एक्स तो पता ही है, नहीं, अल्फा बीटा गामा की चॉइस ले लो, हम तुम्हें बताते हैं, जुगाड़ मिल गई, एक एक्स की चॉइस लेना नहीं, केवल अल्फा बीटा गामा की चॉइस ले लो, अल्फा बीटा गामा को कह दो कह दो कह दो, नहीं 0 0 ले लोगे तो एक्स इस पास, हम में एक ही आंसर आ जाएंगे, नहीं, अल्फा बीटा गामा वन लेना पड़ेगा, वन वन ले सकते हो, तो हमारी चॉइसें अलग अलग बन जाएंगी, वन पे चारों आंसर अलग होंगे, तो अगर तुमने बन ले लिया और एफ एक्स की ये चॉइस ले ली, एफ डैश एक्स निकाल लो तो ये आ जाएगा, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना, मतलब डिटरमिनेंट निकालना ही निकालना हर हाल में, ठीक, तो चलते हैं, चलो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा वन लेके, ठीक,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू वन, तो हमारे लिए वन आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वन आ जाएगा, नहीं क्या क्या एक लिखते हैं भाई, पहले ये एक्स एक्स लिख लेते हैं, फिर ये जीरो कर लिया, ये बीटा माइनस एक्स हो गया, ये एक्स माइनस वन हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक। इसके बाद ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आर वन माइनस आर टू, हाँ एक्स माइनस ये वन माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस वन हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये डेल्टा हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम नहीं तो दो मैट्रिक्स मिल गई, अब हम निकाल सकते हैं, डोंट वरी। वन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो इसमें, अरे यार इसको इससे सेपरेट कर दिया, वाह, तो उसको उससे कर दिया, अजब कहानी गजब कहानी। अब वन के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो और एक्स के रिस्पेक्ट में, दो मैट्रिक्स मिलेगी, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके कर लोगे? अब फिलहाल थोड़ी सी कैलकुलेशन है करना, ठीक। नेक्स्ट ट्वेंटी, इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी, बल्ले बल्ले ऐसा कभी आ जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, अगर एक्स वाई जेड ए पी में है तो मान लो क्या, आंख बंद करो, बन 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 बन, अरे दोनों को बन बन मान लो, सबको ए पी में हो गए, तो ये बन बन रख दो, बन 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 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, जरा सॉल्व करो, चार पाँच छः सात, ये तो सब एक एक तरीके लिखे हैं हमें लगता, एक एक को सब्ट्रैक्ट करके देखो, हमें लगता है आइडेंटिकली बनेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों आइडेंटिकली बन जाएंगे, आंसर विल बी जीरो। बात समझ में आ रही? करके दिखाएं, हाँ अरे लक्ष्मी समझ में आ रहा? हाँ मेरी आवाज आ रही तुम्हारे तक? फाइव सिक्स सेवन वन, सिक्स सेवन एट वन, वन 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 जीरो, एक लगा दो आंसर आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन जीरो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन जीरो, खत्म कहानी, आंसर जीरो। ओके तो आंसर जीरो, टू आइडेंटिकली रो मिल गई, आंसर जीरो, तो पहला आंसर करेक्ट, पहला आंसर करेक्ट आंसर। नाउ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, कह रहे हैं ए ए बी सी अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट हैं तो एक को जीरो ले लो, अदर तो अदर ले ही सकते हो। ओके तो ए को जीरो ले लो, बी को वन ले लो, है हाँ, द वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाई कर सकते हो, और सी को ले लो क्या, माइनस वन ले लो, कुछ इजी जोरो, और एक्स को जीरो ले लो, पक्का इंडिपेंडेंट है कोई वैल्यू, क्योंकि एक्स सेटिस्फाई है, इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा, ठीक, ये ए बी सी आंसर लिखे है ना सर, तो एक्स पे आंसर डिपेंड नहीं कर रहा, पक्का कट रहे होंगे कहीं, तो कुछ भी ले लो, तो जीरो, हमें लगता है एक्स वन ले लो ज्यादा अच्छा है, कई जीरो कर देगा, जीरो जीरो एक और माइनस वन, फिर वन प्लस वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो जीरो, फिर एक्स वन है बी वन है टू, और जीरो जीरो, कहानी खत्म ही हो गई, माइनस वन, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर ये तो जीरो आया। अच्छा किसी चॉइस है? जीरो ए लिया था ना, तो ए चॉइस हो गई। ओके लेकिन देख लेना यार, क्योंकि ए जीरो लिया तो हो सकता है जीरो के अलावा कुछ और आ जाए। हाँ ठीक है,
ये गलत साल में नहीं, इसने वैल्यू ऑफ एक्स बोला है ना, तो वैल्यू ऑफ द एक्स सैटिस्फाइड है नहीं, एक्स को एक्स रहने दो ठीक, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स जो वैल्यू आएगी वो एक्स पुट करना पड़ेगा ओके, वो वैल्यू है ये डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो हो जाए जहाँ ठीक, इसकी चॉइस लो आप जीरो एक्स एक्स ए माइनस माइनस वन अब सही आएगा, एक्स जीरो और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन जीरो, अब जरा डिटरमिनेंट निकालो आंसर आ जाएगा ठीक, फाइंड द डिटरमिनेंट हम ही निकाल देते हैं डिटरमिनेंट, जीरो तो पहला हो गया माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का ठीक, और फिर माइनस वन ये कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ठीक, ये आया तो माइनस एक्स, अब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस एक्स कॉमन हो गया एक्स माइनस वन हो गया ठीक, एक्स बिल्कुल कॉमन हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो ये आंसर आ गया एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू, अब एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है, पक्का एक्स इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है, और जीरो हमारी एक ही चॉइस नहीं, अब दूसरी चॉइस भी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे एक ही भी चॉइस लेनी पड़ेगी, अब तो जीरो हमने लेके चले थे अभी गलत है ठीक, अभी भी नहीं बता सकते क्योंकि हमने जीरो ले लिया तो हो सकता है ये बनना आए कौ जीरो ही आ जाए ओके, तो एक बार और सॉल्व करना है इसे विदाउट एक ही वैल्यू को कुछ और चूज किए जीरो के अलावा, अब डिसीजन करना ठीक है, एक बार और डिसीजन करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता हो कि यहाँ पे ए का रोल ही ना हो, क्योंकि हमने जीरो ले लिया तो तुम ए को टू लेके फिर से सॉल्व करना फिर आंसर पता चल जाएगा ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा है ए बी सी आर डिफरेंट देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई, फिर से सेम क्वेश्चन सेम की तरह ओके, तो इसको भी सॉल्व करना ठीक, हम नहीं सॉल्व करेंगे। 23 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन एक्स प्लस वाई के एज इक्वल टू वन इक्वल टू के द एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू के स्क्वायर हैव अ नो सॉल्यूशन इफ के वैल्यू, कह रहे हैं नो सॉल्यूशन, सिस्टम कैसा है नॉन होमोजीनियस ओके, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आर्गुमेंटी मैट्रिक्स इसकी रैंक अभी पांच मिनट हाँ क्या आएगा, हाँ रैंक ए नॉट इक्वल टू हाँ तो रैंक से लगा दो ठीक है, लगा लोगे कि लगाएं, के वन वन और वन वन के वन और के वन वन के और के स्क्वायर कुछ नहीं करो एक्लॉन फॉर्म लगा दो ठीक, के वन 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 पहली रो ऐसे ही रखो इक्वल टू बना गया आ गया तो अच्छी बात सॉल्व करते रहिएगा ठीक, मैं सॉल्व नहीं करूंगा तुम लोग सॉल्व कर लेना आंसर बता लेना ठीक, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करना, चौबीस सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका के फोर आया 25 एच डब्ल्यू बोल दिया एच डब्ल्यू
जीरो बता दो, एबीसी की चॉइस तो फ्री हो ना, तो जीरो आएगा, पक्का आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डी और सामने रखा है, वो भी जीरो हो गया। बन 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 ले लो, सबको बन भर दो एक तरफ से, तो टू 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 आंसर जीरो, सी आंसर, क्योंकि वो सब सेम हो गए, तब भी जीरो हो गए। ए बन बन करोगे, ये टू टू हो गए, ये टू टू हो गए, ये सब टू टू हो गए, देन अगेन वन, देन अगेन जीरो। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग स्पेशल, 25 इज ऑल्सो। ओके, सो अब कोई भागना नहीं, एक तुम लोग भाग जाते हो, क्वेश्चन नहीं लगाते हो। अभी सर लगाएंगे 10 क्वेश्चन, एक 30 मिनट मैंने उनको दिया है। क्या अगर कोई भागा समझ लेना, क्वेश्चन लगवा रहे हैं और सब भाग जाते हो। पैराबोला के क्वेश्चन सॉल्व करो, कहाँ जाना है? अच्छा, हाँ कीर्ति, कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना, तो 2 मिनट पानी पी लो, और सर सॉल्व कराने आ रहे हैं, ठीक, 2 मिनट में। ओके।